हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किन से कंटिन्यू करेंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1, 2, 4 देख लें। तो अल्किन का केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन हम डिटेल में ORM 2 के टाइम बताए थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपका अल्किन शो करता है। एक बार इसको समराइज कर देते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है डबल बॉन्ड पे, तो इन दोनों में से किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो जिस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो उसके नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक्चुअली में ये डबल बॉन्ड को आप इस तरह से ब्रेक कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, जिस पे नेगेटिव उससे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच होगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो जिससे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा उसके नेक्स्ट कार्बन से पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है ये इस कार्बन पे भी तो अटैच हो सकता है। तो हाँ, डिपेंड करेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कौन सा ग्रुप अटैच है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने के बाद पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मतलब कार्बोकेटायन बन रहा है। तो जिस भी कार्बन पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसके नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो CH3 का हाइपर कंजुगेशन, ये जो R ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, हो सकता है CH3 CH2 हो या कोई और हो। कहने का मतलब इसका हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई लगेगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो इस कार्बन से न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट हो गया। ज्यादा डिटेल में आपको अगर समझना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को तो आप ORM 2 का लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे हम डिटेल में बताए हैं। और इस केस में कार्बोकेटायन तो बनता है लेकिन उसके लिए स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। लार्ज इलेक्ट्रोफाइल के केस में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। उस केस में लार्ज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से इस तरह से डबल बॉन्ड वाले कार्बन से टांग दीजिए, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो रहता है, मतलब फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है। इससे ये होता है कि अगर फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर कार्बोकेटायन बनता है जैसे स्मॉलर इलेक्ट्रोफाइल के केस में होता है तो उस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो ये पॉइंट सारा कुछ हम डिटेल में बता चुके हैं, यहाँ पे फिर से बताने का जरूरत नहीं है। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा वहां पे। इसके बाद नेक्स्ट अल्काइलेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये हम अल्केन के टाइम भी बताए थे क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्केन भी इन्वॉल्व है। तो वहां पे बताए थे कि आइसो अल्केन और आइसो अल्किन आपस में जुड़ जाते हैं। ये हम बताए थे आइसो ऑक्टेन के एग्जाम्पल से, उस टाइम जब केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन बता रहे थे। आपका एसिड जो है ये आपका H2SO4 या HF रहता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। देखिए अल्किन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और अल्केन ये आपस में जुड़ जाएगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा एक से अल्केन ग्रुप। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये पहले से जितना कार्बन का चेन था ये जुड़ के और बड़ा चेन का हाइड्रोकार्बन बनाएगा, मतलब हाइयर अल्केन बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर से आइसो ऑक्टेन वाला ही एग्जाम्पल है। एक तो आपके पास आइसो ब्यूटीन है और आइसो ब्यूटेन है, ये दोनों आपस में H2SO4 के प्रेजेंस में आपस में ऐड हो जाएगा और इस तरह से इस कार्बन से आप CH2 और ये यहां से ये वाला ग्रुप अटैच कर दीजिए R और ये H, तो यहाँ से ये ग्रुप R और यहाँ से H, तो CH3C, देखिए यहाँ से H और यहाँ से ये पूरा ग्रुप और आइसो एक सॉरी आइसो ऑक्टेन बनेगा। इसके बाद पोलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से पोलीमराइजेशन होता है। तो पहला है आपका रेडिकल पोलीमराइजेशन, तो आपके पास R रेडिकल है और अल्किन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये R रेडिकल इस तरह से अटैच होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड का आपस में जुड़ेगा, तो आपके पास इस डबल बॉन्ड से एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये रेडिकल बन गया। फिर से ये रेडिकल ही है, फर्दर अल्किन पे फिर से ये अटैक करेगा तो
एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल का और एक इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड का। तो इस डबल बॉन्ड में से एक तो सिंगल बॉन्ड बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से 2 से 4 इस तरह से पॉलीमराइज हो जाएगा, फिर फर्दर अल्किन पे अटैक करेगा और चेन जो है वो बढ़ते जाएगा आपका ईटीसी। इस तरह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो आपके पास कैटायन है आर प्लस, ये अटैक करेगा। तो इस केस में कैटायन है, कैटायन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ, तो ये कार्बन और ये आर ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो इस तरह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से कार्बो कैटायन बन गया। फिर अल्किन फर्दर अटैक करेगा, फिर से वही बात होगा, ये अपना दोनों बॉन्ड इधर दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस कारण फिर से पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से 2 फिर 4 फिर फर्दर आगे चेन कंटिन्यू होते जाएगा। तो इस तरह से पॉलीमराइज होगा। नेक्स्ट एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो एनायनिक के केस में आर माइनस है, मतलब इस कारण से 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन इस कारण से शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, पहले से ही एनायन है। तो इस पे जब ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो निगेटिव चार्ज, तो फिर से एनायन बनेगा, फर्दर अटैक करेगा, फिर यहाँ पे एनायन बनेगा। तो इस तरह से एनायन बनते जाएगा और आपका चेन जो है वो लॉन्ग होते जाएगा और पोलिमराइजेशन हो जाएगा इस तरह से। तो इन 3 मैकेनिज्म के द्वारा इस तरह से अल्किन का पोलिमराइजेशन होता है। इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पोलिमराइजेशन। तो पोलिमराइजेशन का स्टीरियो केमिस्ट्री भी रहता है। जैसे नेचुरल रबर जो है ये सिस आइसोमर रहता है, ये हम देखे थे कि आइसोप्रीन से पोलीमराइज होके नेचुरल रबर बनता है। नेचुरल रबर इज एन ऑल सिस आइसोमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। तो आइसोप्रीन यूनिट आपस में पोलीमराइज करता है और सिस पोलीमराइजेशन होता है, मतलब जब ये आइसोप्रीन यूनिट आपस में अटैच होगा पोलीमराइजेशन के लिए। तो देखिए इस डबल बॉन्ड के तरफ दोनों सेम साइड एड हो रहा है, इसी को सिस यूनिट बोलेंगे। तो ये एक्चुअली में ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, मतलब ये वाला कार्बन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, फिर इधर शिफ्ट होगा, फिर ये जाएगा नेक्स्ट के साथ। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेगा, सिमिलरली ये भी बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड तो यहाँ चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड तो चला गया बॉन्ड मतलब दूसरे के साथ बनाने के लिए, नेक्स्ट आइसोप्रीन के साथ। एक्चुअली में देखिए 2 बॉन्ड आपके पास था एक आइसोप्रीन में, तो एक बॉन्ड तो है पहले मतलब बाद में भी डबल बॉन्ड, और एक बॉन्ड जो यहाँ से गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ बॉन्ड बनाया, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया और ये आपस में बॉन्ड बनाया। तो दो दो बॉन्ड तो है ही, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड आपस में जुड़ने में, आपस में जुड़ने के लिए भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से नेचुरल रबर फॉर्म होता है आइसोप्रीन से पॉलीमराइजेशन के बाद। ये हम डिटेल में पॉलीमराइजेशन सॉरी पॉलीमर चैप्टर में बताए हैं पॉलीमर के बारे में। नेक्स्ट अल्काइन है आपके पास, देखिए इथाइन, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल H प्लस अटैक करेगा, तो H प्लस अटैक करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड घट जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से H आ गया तो ये CH2 हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे Cl माइनस अटैक कर देगा, तो एक कार्बन से क्लोरीन और एक से हाइड्रोजन अटैच होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो आपका CH2 CHCl, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ, एक तरफ क्लोरीन तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, इसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड। ये जब पॉलीमराइज करता है तो PVC बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है। ये भी हम बता चुके हैं पॉलीमर के टाइम। इसके बाद अगर इथाइन को ही रेड हॉट आयरन ट्यूब से अगर पास करें, इथाइन जो है इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो ये पॉलीमराइज करके एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है बेंजीन, मतलब ट्राइमर बना लेता है। ये 3 इथाइन मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज कर जाता है। देख लीजिए इसको भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे 3 बॉन्ड था लेकिन इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड बचा हुआ है, तो एक बॉन्ड जो है ये नेक्स्ट अल्काइन के साथ बनाने में चला गया। सिमिलरली इसका एक और अल्काइन था, इसका एक बॉन्ड यहाँ चला गया, तीसरे का एक बॉन्ड यहाँ चला गया।
तो तीन बॉन्ड से दो दो बॉन्ड हो गया, और तो दो दो इलेक्ट्रॉन तो बचेगा। ये जो तीसरे वाले बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो आपस में जुड़ने के लिए चला गया तीनों का एक एक बॉन्ड। तो इस तरह से ट्राइमर बनेगा बेंजीन। मतलब अल्काइन को अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कीजिएगा तो ये बेंजीन बना लेता है। सिमिलरली अगर इसको निकेल साइनाइड या फिर बेरियम के साइनाइड से पास कीजिएगा तो ये पॉलीमराइज होता है और टेट्रामर बनाता है। देखिए इस तरह से टेट्रामर, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका शेप टब शेप होता है। हम बता चुके हैं जीओसी के टाइम कि ये एरोमेटिक नहीं होता है, जबकि ये ट्राइमर जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, आपके पास इथाइन है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस NH4Cl इन द प्रेजेंस ऑफ CO2Cl2। तो ये जो है डाइमर बना लेता है, विनाइल एसिटिलीन। इथाइन से विनाइल एसिटिलीन बनता है। अब ये जो विनाइल एसिटिलीन है, इसका रिएक्शन आप करवाइए 1 इक्विवेलेंट HCl से। तो HCl फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, H+ और Cl-, तो इलेक्ट्रोफाइल है। इस केस में आपके पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा? तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल हम एग्जैक्ट बताए हैं ORM2 के टाइम, कि जनरली जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन का फास्टर होता है। मतलब यदि अल्कीन और अल्काइल पोरिएंट है तो उस केस में अल्कीन पे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। अगर एक्सेस में रहता तब तो अल्कीन पे भी हो जाता, फिर अल्काइन पे भी हो जाता, लेकिन 1 इक्विवेलेंट है तो अल्कीन पे होता है, लेकिन इस केस में अल्काइन पे होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन पे। मतलब जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वो कितना स्टेबल फॉर्म होता है, तो जनरली अल्कीन के केस में स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी अल्कीन का फास्टर होता है। लेकिन इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगने से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये कंजुगेशन में रहता है, इसलिए स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेता है। तो इसलिए अल्काइन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आप ORM2 में देख सकते हैं, हम बता चुके हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ H+ लगेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज पे Cl-, तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH एडिटेड। नेक्स्ट सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच जो था डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ एक और एच, तो सी एच से CH2 हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cl आ गया, तो आपका क्लोरोप्रीन बनता है इस तरह से। तब क्लोरोप्रीन का पोलिमराइजेशन होता है तो नियोप्रीन बनता है, ये हम पोलीमर चैप्टर में बताए हैं। क्लोरोप्रीन के पोलिमराइजेशन से नियोप्रीन फॉर्म होता है, ये सब तो याद करना था आपको, आप कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अब तो कर लीजिए, दो बार बता चुके हैं। नेक्स्ट लिंडलार कैटलिस्ट से यदि आप रिएक्शन करवाइएगा तो क्या होगा? तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है? लिंडलार कैटलिस्ट अल्काइन को अल्कीन में रिड्यूस करता है, क्योंकि ये पॉइजन्ड होता है, फर्दर अल्कीन का रिएक्शन नहीं होता है। तो अल्कीन वाला पार्ट तो एजिटेज रह जाएगा, अल्काइन वाला पार्ट अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच से सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इस तरह से ब्यूटा-1,3-डाइन बनेगा। अब ब्यूटा-1,3-डाइन प्लस स्टाइरीन, ये वाला पोलीमराइजेशन रिएक्शन भी हम बता चुके हैं। ब्यूटा-1,3-डाइन प्लस स्टाइरीन आपस में पोलीमराइज करके बोना सल्फर पोलीमर बनाता है। सिमिलरली ब्यूटा-1,3-डाइन एक्रायोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHCN, एक्रायोनाइट्राइल के साथ अगर पोलीमराइज करता है तो बोना नाइट्रोजन बनाता है। तो ये तो सेम है, अगर स्टाइरीन है तो बोना सल्फर, ये देखिए स्टाइरीन का S, सिमिलरली एक्रायोनाइट्राइल है तो बोना नाइट्रोजन, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट फिर से इथाइन है, इसका रिएक्शन HCN से करवा रहे हैं BACN2 के प्रेजेंस में। तो HCN H+ Cn-, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो H+ अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो एक कार्बन से H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पे Cn- अटैच हो जाएगा, तो एक कार्बन से Cn और दूसरे से एक और H, तो CHCn डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से एक क्रायोनाइट्राइल बनता है, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCn, वही तो है, ये एक क्रायोनाइट्राइल है। अब ये पोलीमराइजेशन रिएक्शन शो करेगा तो एक क्रायोनाइट्राइल से पोली एक क्रायोनाइट्राइल बनेगा, पोलीमर जो बनेगा, जैसे विनाइल क्लोराइड से जब पोलीमर बनता था तो पोली विनाइल क्लोराइड, उसी तरह से
एक्रायोनाइट्राइल से पोली एक्रायोनाइट्राइल पॉलीमर बनेगा। इसमें एक पॉइंट है कि नियोप्रीन पोलीब्यूटाडाइन बोना सल्फर एंड बोना नाइट्रोजन आर सिंथेटिक रबर। तो ये सब जो है ये सिंथेटिक रबर होता है, ये सब जो पॉलीमर है, जबकि नेचुरल रबर यहाँ बताए थे, ये देखिए नेचुरल रबर आइसोप्रीन का पॉलीमर है आपका नेचुरल रबर, और ये सभी सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पोलीब्यूटाडाइन के बारे में हम नहीं बताए हैं, पॉलीमर के टाइम भी इसका चर्चा नहीं किए हैं। तो ये एक्चुअली में ब्यूटा 1,3-डाइन का पॉलीमर बनाएंगे तो पोलीब्यूटाडाइन बन जाएगा, जिस तरह से एक्रायोनाइट्राइल से पोली एक्रायोनाइट्राइल, विनाइल क्लोराइड से पोली विनाइल क्लोराइड, सिमिलरली ब्यूटा 1,3-डाइन से पोली ब्यूटाडाइन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हेलोजिनेशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक आपको पता है ना, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, इसी को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो आपके पास देखिए अल्किन है, तो इस केस में यहाँ एलाइलिक पोजिशन का हाइड्रोजन जाता है और यहाँ से हेलोजन अटैच हो जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया, हाइड्रोजन जो है हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया, यही आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर अल्किन का रिएक्शन आप करवाइएगा, H2O हीट 500 to 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब इतना टेम्परेचर पे हीट कीजिएगा तो हेलोजन जो है सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से हेलोजन अटैच हो जाएगा। हेलोजन आपका या तो क्लोरीन या ब्रोमीन रहता है, Cl2 या Br2। सिमिलरली NbS या NcS से रिएक्शन करवाइएगा तब भी हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। NbS आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, सिमिलरली एन क्लोरो सक्सीनामाइड, मतलब यहाँ से नाइट्रोजन से ब्रोमीन अटैच है तो एन ब्रोमो और सक्सीनामाइड, सिमिलरली ब्रोमीन की जगह अगर क्लोरीन अटैच कर दीजिएगा तो ये एन क्लोरो और सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड आपको यही तो होता है, डबल बॉन्ड यहाँ एन, यहाँ से एच अटैच रहता है तो ये सक्सीनामाइड। अब नाइट्रोजन से यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अगर ब्रोमीन अटैच कर दीजिएगा तो एन ब्रोमो, नाइट्रोजन से ब्रोमीन अटैच है इसलिए एन ब्रोमो और सक्सीनामाइड, सिमिलरली क्लोरीन अटैच कर दीजिएगा तो एन क्लोरो सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड में हाइड्रोजन के जगह ब्रोमीन या क्लोरीन अटैच कीजिए। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास देखिए प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन आप करवाइए Cl2 से 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो एलाइलिक पोजिशन से एक हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन लग जाएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, ये आपका एलाइलिक कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए, एक क्लोरीन लगा दीजिए, तो इसका नाम होगा एलाइल क्लोराइड, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। और इसका यूपीएससी ने देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, थर्ड से क्लोरीन अटैच है तो नाम होगा 3-क्लोरो-प्रोप-1-ईन, फर्स्ट से डबल बॉन्ड तो प्रोप वन इन या फिर वन प्रोपिन बोलिए, एक ही बात होता है, तो ये आपका यूपीएससी नेम होगा 3-क्लोरो-1-प्रोपिन या प्रोप वन इन, तो प्रोपिन से इस तरह से 3-क्लोरो-1-प्रोपिन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।